मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं वंदना और आप देख रहे हो ब्यूटी एंड सिंपलिसिटी। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। और यहाँ पे देखो ये सब गुड़हल का प्लांट। अभी ये सारे प्लांट को मैंने प्रून कर दूँगी क्योंकि ये सारे गर्मी में फ्लावर आएगा तो अभी तो इसमें फ्लावर नहीं है और ये डंडा बड़ा बड़ा होते जा रहा है तो ये सारे को मैंने अभी प्रून करूँगी। बहुत बड़े बड़े हो गया ये सारे जो गुड़हल का प्लांट है ना, ये जो बड़े बड़े आपको दिखाई दे रहा है ये सारे को मैं प्रून कर दूंगी। और ये जो लैंड लोटस है इसको भी प्रून करूंगी। ये सब डंडी डंडी रह गया और यहाँ पे देखो ग्रोथ स्टार्ट हो गया। पौधे को प्रून करना है तो यहाँ पे कटर उटर ले लेते हैं। कटर और खुदाई तो नहीं करेंगे, सिर्फ कटेंगे। तो कटर और पैकेट ले लिया। सब्जी वाला भी आ गया, देखो कहाँ है। ये देखो दिखाई दे रहा है सब्जी वाला। सब्जी लो बोल के ये सब्जी वाला आ गया। ये महंगा लेता है यहाँ पे, जो भी आता है ना महंगा लेता है। अगर मैं 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर बाहर जाऊँ तो सस्ता मिलता है थोड़ा। इसमें देखो अभी भी कली है, देखिए छांटना भी जरूरी है। पहले ये वाला छांट लेते हैं ये सारे, फिर वो भी छांटेंगे। और ये जो घास है ना, ये देखो ये जो घास है ना, ये पूजा में जो लगता है दुड़बा या क्या बोलते हैं आप, दुड़बाई बोलते हैं हम लोग तो बंगाली में, दुड़बा बोलते हैं। तो ये जो दुड़बाई बोल, ये जो दुड़बा घास है ना ये वाला, ये जहाँ पे रहेगा इसको उठा के फेंकना है। ये पूरा प्लांट को खराब कर देता है। इसका जो रूट है ना वो अंदर तक चले जाता है तो ये तो उखाड़ दिया, यहीं पे सूख जाएगा सारे। इसको काट दिया मैंने, दिखाओ। डाली काटने के चक्कर में ये दिखा नहीं, ये काट दिया। देख पूरा काटे नहीं, थोड़ा सा ही देखो, ये देखना पड़ेगा यहाँ से काट के फिर लगाना पड़ेगा। इसे गड़बड़ हो गया, मम्मी की क्या कर्म काटी। इसमें देखो इसमें नहीं काटेंगे, इसमें सारे में कली। और ये सर्दी में ही खिलता है, ये देखो कली कल खिलेगा। यहाँ पे खिला हुआ है, ये देखो कितना सुंदर। और ये सर्दी में ही खिलता है ये वाला पौधा, इसे अभी नहीं काटेंगे। और ये देखो फ्रेंड्स ये कैसे फंगस लग गया इसमें, देखा। तो इसको काट के नीचे से, ये देखो ये काटना भी तो जरूरी है ना। कोई जरूरत नहीं है, पौधे लगाओ मत। ये जितने काटेंगे प्रून करेंगे उतना अच्छे से फ्लावर होगा गर्मी में। तो अभी तो देखो पूरे मुंडन कर दिया। ये बड़े बड़े पौधे थे ना, लोगों को ना मुंडन करने, जैसे बच्चों का छोटे में पूरे बाल मुंडन करता है ना, फिर नया बाल निकलता है अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर। तो पौधे का भी वही है, और जितना अच्छे इसका ब्रांच निकलेगा उतना अच्छा फूलों से भर जाएगा। भरने में लग जाएगा। आज एक बड़ा काम कर दिया, देखो सब ये है चांदनी का पेड़, इसे भी छाट दिया। और ये गंधराज का है सारे, ये भी गंधराज का है, तो ये सारे छाट के ये साफ कर दिया। और ये गुड़हल का देख सकते हो हार्ट प्रूनिंग कर दिया। और यहाँ पे भी देखो सारे को प्रून कर दिया। और इतने सारे डाली अभी उठा के फेंकना भी है। Thank you.
पौधे का काम तो हो गया, तो अब चलती हूँ। मेरे पास रिक्वेस्ट आया है, कोई रिक्वेस्ट किया है कि डिश वॉशर में बर्तन कैसे लोड कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन, बड़ा बर्तन कैसे लोड करते हैं, तो उस बारे में वीडियो बनाने के लिए। तो मैं इसी ब्लॉग में मैं दिखा देती हूँ। और मेरे पास ढेर सारे बर्तन हैं आज, तो मैंने सोचा आपको आपके साथ भी वो शेयर कर दूँ कैसे मैं लोड करती हूँ। और उतने सारे बर्तन मुझे 5 मिनट लगता है। जो इतने सारे बर्तन मेरा सिंक में पूरा भरा हुआ है, ये कैसे डिश वॉशर में मैं लगाऊंगी। तो पूरे बर्तन, इतने सारे बर्तन, 2-3 कढ़ाई है, बड़ा बड़ा पतीला है, ये सारे जो कांच के बर्तन हैं, और ये सारे सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इतने बर्तन लगाने के लिए हमें 5 मिनट टाइम लगेगा। बस
फ्रेंड्स, मैंने लोड कर दिया पूरे बर्तन। ये देखो अपर रैक, ये इतना भारी हो गया ना, खींचने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है पूरे, क्योंकि इतना ये जो सिरामिक का कप है ये बहुत भारी भारी होता है ना। ये ऊपर वाला रैक और ये है नीचे वाला रैक, अब देख सकते हो कैसे लोड किया। अब ऑन कर देते हैं और ये देखो ये लोड किया ना, ये हर प्लेट के बीच में गैप है, तो यहाँ से ये पे जो साबुन है तो पानी आसानी से साबुन तक पहुँच सकता है, तो ये साबुन पूरे घुल जाता है और यहाँ पे ऐसे ब्लॉक हो जाने से ना साबुन पहुँचेगा नहीं, तो थोड़ा सा साबुन उसमें रह जाएगा। तो ये ख्याल रखना है कि प्लेट कैसे लगाए, यहाँ पे सोप डिस्पेंसर है ना उसके सामने वाला प्लेट कैसे लगाए या बर्तन कैसे लगाए। चलो दोस्तों, मैं इसको 1 hour 34 मिनट्स में दे देते हैं, डेली 60 में हो गया, बस ऑन कर देते हैं। बर्तन धुल गया और देखो नीचे वाले रैक में जहां पे मैं बड़े बर्तन लिया था ये सारे साफ हो गया। और ये देखो कढ़ाई, मैं ऐसे देती हूँ तो कढ़ाई का देखो, देख सकते हैं ये जो इतना बड़ा कढ़ाई दिया था ये भी साफ हो गया। और इसके नीचे देखो ये मतलब जैसे जहाँ पे भी मुझे जगह मिला है मैं वैसे ही दे दिया, तो ये आप देख सकते हो कैसे कढ़ाई भी साफ हो गया, नीचे का तो सारे कुछ साफ हो गया, आसानी से साफ हो जाता है, सारे क्लीन हो जाते हैं। और ऊपर का भी ऐसे सारे कटोरी सब अच्छे से क्लीन हो गया और सारे अच्छे से देखो यहाँ पे सारे चकाचक, मैंने कहीं भी किसी में भी गंदगी नहीं है, ये भी आप देख सकते हो ये सब सारे अच्छे से साफ हो गया। ये ग्लास था, मेरा ये कैसा लगा बर्तन लोड, मैंने दिखाया आपको मैक्सिमम बर्तन आप कैसे लोड कर सकते हो। बस दोस्तों नहा धो के अभी सारा काम तो ख़त्म हो ही गया था, दोपहर का खाना लेके मैं बैठी हूँ सामने वाले बालकनी में और धूप में बैठ के खाना खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। और यहाँ पे धूप बहुत अच्छा लग रहा था और थोड़ी देर बैठने के बाद थोड़ा गर्मी भी लग रहे थे तो स्वेटर भी खोल दिया। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो क्या करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, फिर मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।